और एक खुशी की बात है, इन 2014 डीजल पैसेंजर व्हीकल शेयर था 53% और 2023 में डीजल कार का शेयर हो गया 18%। ये बहुत अच्छा लक्षण है, आप डीजल का प्रोडक्शन कम करिए, और इसलिए मैं नहीं तो कम नहीं होगा तो टैक्स बढ़ाना पड़ेगा। तो मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि ये एक अच्छा साइन है, डीजल बहुत ही हजार्डस फ्यूल है, हम बहुत बड़े प्रमाण पे इंपोर्ट भी करते हैं। मैं वो जनरेटर सेट वालों के पीछे लगा हूं, अभी तक हो नहीं पाया, मेरे घर पर है इथेनॉल का जनरेटर। तो आप ये जब स्कैनिया की बस अगर 100% इथेनॉल पर चल सकती है, वो पेट्रोल इंजन है, तो डीजल का ट्रक और बस क्यों नहीं इथेनॉल पर चल सकती? इलेक्ट्रिक पर तो चलती है, अब LNG पर चल रही है, अब CNG पर चल रही है, अब हाइड्रोजन पर आ रही है, तो इथेनॉल पे क्यों नहीं चल सकते? तो डीजल को बाय कैसा भी करके आप बाय बाय करिए, मैं आपको ये बहुत नम्रतापूर्वक रिक्वेस्ट से करूंगा, नहीं तो BS6 जैसा डीजल का भी हाल ऐसा ही होगा कि बस आप करते रहिए, हम इतना टैक्स बढ़ा देंगे कि आपको बेचना मुश्किल हो जाएगा। तो ये डीजल व्हीकल को आप ही सुमोटो इनिशिएटिव लेकर आप कर भी रहे हैं, इसीलिए 18% पे आया, तो धीरे धीरे ये हमारे लिए बहुत अच्छा प्रोग्राम होगा। मुझे एक हमारे टीचर ने, मैं जब स्विमिंग पढ़ता था तो मुझे बड़ा डर था, तो एक दिन मैं ऐसे ही खड़ा था, वो पीछे से आया, उसने मुझे ढकेल दिया, और जिस दिन ढकेल दिया उस दिन मैं स्विमिंग सीख गया, तो मैं ढकलने का ही काम केवल करता हूँ। तो और मुझे पता है कि आप बहुत अच्छे स्विमर हो, और आप पानी में उतरने के बाद तो आप अवार्ड मिलाने ही वाले हो, तो इसलिए मैं आपको ये कहूँगा, ये BS6 Phase 2 के लिए आप जरूर सहयोग करिए, उसकी भी तैयारी करिए। 2014 के बाद जो 52% डीजल की गाड़ियां थी वो 18% पे आई है। अब जैसे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री बढ़ रही है, डीजल की गाड़ियां नहीं बननी चाहिए, आप ही आपके लेवल पर निर्णय करिए ताकि डीजल कम से कम हो, और अगर नहीं हुआ तो फिर मैं सरकार को, वित्त मंत्री को ये रिकमेंड करूंगा कि डीजल ज्यादा पोल्यूशन कर रहा है, इसके ऊपर 10% टैक्स एडिशनल लगाना चाहिए। मैंने बोला डीजल यूज करने वाले व्हीकल के ऊपर अगर जल्दी आप अगर अल्टरनेटिव नहीं लाएंगे, इसको कम नहीं करेंगे, तो हम अपने तरफ से पेट्रोलियम में हमारे वित्त मंत्री जी को अनुरोध करेंगे कि डीजल को डिस्करेज करें।